शीतकालीन सत्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुद्दे गरमा रहे हैं। अब उसी बीच मुस्लिम समाज की ओर से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने शिक्षा और नौकरी में मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की बात कही है। शीत सत्र के आखिरी दिन विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरा जा रहा है। उसी बीच अब विधान भवन की सीढ़ियों पर बैनर दिखाते हुए मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की मांग की गई है। इस समय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने मुस्लिम समुदाय के आरक्षण की बात कही। इस वक्त पोडियम पर बोलते हुए विधायक अबू आजमी ने शिक्षा और नौकरी में 5% आरक्षण की मांग पर सरकार ने चर्चा नहीं करने दी, यह आरोप लगाया है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को बहुसंख्यक नाराज ना हो जाए, इस भूमिका के साथ सरकार हमारी बातें दबा रही है, यह आरोप इस वक्त अबू आजमी ने किया। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के ऊपर 16% मराठा भाइयों के आरक्षण पे जवाब दिया है और फरवरी की तारीख दिया है कि उसमें कुछ करेंगे। उनके भाषण में पूरी कोशिश थी, पूरा उनका प्रयत्न है कि किसी तरह से भी मराठी भाइयों को, मराठा समाज को आरक्षण मिले, और उस आरक्षण जब तक नहीं मिलता है उसके पीछे जो जितनी मांगे वो पूरी करने की पूरी उन्होंने बात किया। लेकिन 5% मुसलमानों के आरक्षण को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, एक लफ्ज पे कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं तो एवं कहता हूँ कि विपक्ष के लोग भी कभी उस पर बात नहीं करते, कितना चिल्लाया, गला बैठ गया हम लोगों का कि हमें इस पर बोलने दीजिए, लेकिन बोलने का अवसर भी स्पीकर साहब ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि एक समाज के साथ खुली नाइंसाफ़ी है ये, जब एक ही साथ 16% मराठा भाइयों का और 5% मुस्लिम आरक्षण की बात हुई थी और हाई कोर्ट ने 5% को हरी झंडी दिखा दिया कि एजुकेशन में तुरंत मिलना चाहिए, उसके बाद भी जो उसको टाल मटोल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ एक खुली नाइंसाफ़ी है और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है किसी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात करो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इशू लाओ ताकि उनको जो है मेजॉरिटी का वोट मिल जाए, और जो पार्टियाँ मुसलमानों को वोट की दावेदार हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को कहती हैं, वो भी मुस्लिम इशू पे बात करने को आज तैयार नहीं है कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम इशू पे बात करेंगे तो मेजॉरिटी नाराज़ हो जाएगी और हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। ये हालत आज महाराष्ट्र में है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।